परसों की बात नहीं है, ये हर दो महीने बाद ऐसा होता है। तो क्या पाकिस्तान के सामने से कमजोर हो गए हैं क्या? मेरा बेटा भी फौज में है, वो रोज कहता है पापा ये हो क्यों नहीं रहा। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट, तो वहाँ पे जो है कुछ रैलीज वगैरह चल रही हैं पुलवामा पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, हो सका तो लोगों से इंटरव्यू भी लेंगे। सो गाइज, अभी हम हैं इंडिया गेट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड पर जो है पुलवामा पे जो अटैक कुछ हुआ था तो उसके बारे में रैली वगैरह चल रही है, काफ़ी लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। गला बैठ गया उस बेचारे का। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार, एक एक आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के और उनको निकाल के और उनको जो है जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण सैनिकों के साथ में किया, सीआरपीएफ के जवानों के साथ में किया है, वैसे ही उनको निकाल के खुले में गोली मारनी चाहिए। परसों की बात नहीं है, ये हर दो महीने बाद ऐसा होता है। तो क्या पाकिस्तान के सामने से कमजोर हो गए हैं क्या? मेरा बेटा भी फौज में है, वो रोज़ कहता है पापा ये हो क्यों नहीं रहा। मोदी जी भी आपको कह रहा, मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कर रखा है कि हम पाकिस्तान से डरपोक हो रहे हैं। आखिर ऐसे क्या हालत हो रही है, हमारी फौज काबिल नहीं क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी जाने को तैयार हूँ, मैं भी मरने को तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान के 100 लोगों को मार के खुद मरना भी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमारी फौज क्यों मर रही है, लोग क्यों नौजवान लोग मर रहे हैं। तो आपकी सरकार से क्या मांग? सरकार से चाहता हूँ पाकिस्तान को अटैक करे, पाकिस्तान से बदला ले, भारतीय फौजों का हौसला बुलंद हो, यही चाहता हूँ। और क्या चाहना सर? आम जनता का इसमें क्या योगदान होना चाहिए? आम जनता का योगदान वही होना चाहिए जो मेरा है, देश के लिए सब कुर्बान होने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक तो हमारा देश वैसे ही बटके पाकिस्तान बन गया, ऊपर से पाकिस्तानी हम पर अटैक कर रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब जो आतंकवादी हमला हुआ उन्होंने, जो पाकिस्तानी लोग थे वो तो पीछे से वार किए ना, छल से वार किए। अगर उनकी हिम्मत हो तो वो आगे से वार करें, बल से करें, छल से क्यों करते हैं। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओके, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम आस्किंग टू से दैट वी विल beat the Pakistan at the right what we can fight with Pakistan. We do not, we don't have നമ്മളെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നമ്മൾ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ വൺ
शहीद हुए 40 जवान, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि उनकी जो अलगाववादियों को सुविधा दी हुई है, सबसे पहले तो वो ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि उनको सुविधा मिली हुई है, इसीलिए पत्थरबाजों को पूरा पूरा समर्थन उनका मिला हुआ है। और हम चाहते हैं कि जिन परिवार के बेटे शहीद हुए हैं, उनके लिए हम बिल्कुल आगे खड़े हो जाएं, और उनके लिए हम बिल्कुल ऐसे रहें कि जो उनको हेल्प चाहिए हम उनको देने को पूरा तैयार हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमें सरकार से ये मांगे हैं कि जो हमारी सेना है उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बिल्कुल दूर, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कम, जैसे अभी पुलवामा में हुआ है, वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन उसमें नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। लोगों के रिएक्शंस कैप्चर किए कि वो क्या सोचते हैं, सरकार से क्या मांगे उनकी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।